हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय श्री श्याम। हाँ, गुड इवनिंग, जय श्री श्याम। सभी भाइयों को राम राम भाई। हाँ चलिए दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस के लास्ट पार्ट की बात करते हैं दोस्तों। जो टाइप के क्वेश्चन रह चुके थे, कंप्लीट एग्जाम में आए क्वेश्चन हैं और अच्छी टाइप के हैं, थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन का जवाब देना दोस्तों। हाँ लास्ट टाइप के क्वेश्चन है बिल्कुल दोस्तों। सभी को राम राम भाई, जय श्री श्याम। चलिए जो लाइव जुड़ चुके, एक बार कमेंट करके लाइक करके बता दे, रेडी हैं सब? हाँ सभी को राम राम भाई, जय श्री श्याम, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सभी को। हाँ जी सुभाष जी, बिल्कुल। हाँ जो लाइव जुड़ चुके, एक बार चलेंगे अपने चैप्टर को, सब रेडी हैं और आते रहेंगे अपने दोस्त। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तो रुक रुक के चलने वाला नहीं हुआ था, और यहाँ यानी दो व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चलें और रेलगाड़ी कुछ गति से उन व्यक्तियों को, एक व्यक्ति वाला हो गया था, दो व्यक्तियों की भी बात करते हैं कि एक रेलगाड़ी किस दिशा में दो व्यक्ति चलें और उन व्यक्तियों को यदि क्रम से रेलगाड़ी किसी निश्चित समय में पार करती है और रेलगाड़ी की हमें चाल नहीं दे, व्यक्तियों की चाल दे, क्या देगा? दो व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ेंगे और उनको पार करने का रेलगाड़ी का द्वारा समय दे दिया जाएगा, न तो रेलगाड़ी की हमें लंबाई देगा और न ही रेलगाड़ी की क्या देगा, चाल देगा। तो ऐसे क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों, बिल्कुल। चलिए तो अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। हाँ महेश कुमार, बिल्कुल बिल्कुल, सभी कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल सुनील वर्मा, शाबाश, धन्यवाद। चलिए दोस्तों और आते रहेंगे, सभी को राम राम। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक थम्स अप ठोक दीजिए और कमेंट करके बता दे, रेडी हैं सब? चलें बताइए मेरे दोस्तों, रेडी हैं सब? हाँ चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, आते रहेंगे अपने दोस्त, बिल्कुल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही प्यारा, सोच समझ के आंसर बताना मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं जिस क्वेश्चन की चर्चा कर रहा था वही क्वेश्चन आ चुका है। हाँ बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे दो व्यक्ति जिनकी चाल क्रम से 8 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड को क्रम से 7 सेकंड और 9 सेकंड। देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति जा रहे हैं रेलगाड़ी की उसी दिशा में, इसका मतलब पहले ये व्यक्ति इधर जा रहे हैं, ऐसे रेलगाड़ी की दिशा में जा रहे हैं, पहले व्यक्ति को पार करने में हमारे पास में लेती है 7 सेकंड और 9 सेकंड, जबकि व्यक्तियों की चाल है, जो व्यक्तियों की चाल है पहले की तो है दोस्तों 8 मीटर प्रति सेकंड, समझ रहे मेरी बात को? दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकंड। आप कहेंगे सर पहले व्यक्ति की 8 मीटर प्रति सेकंड चाल है, दूसरे की हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पे यदि इस पहले व्यक्ति को पार करती है रेलगाड़ी, तो बताइए मेरे दोस्तों, पहले व्यक्ति को यदि पार करेगी तो कितना टाइम लिया जा रहा है रेलगाड़ी द्वारा? आप कहेंगे सर 7 सेकंड लिया जा रहा है। कितना सेकंड है? 7 सेकंड। और दूसरे व्यक्ति को पार करने के लिए कितना टाइम लिया जा रहा है दोस्तों? 9 सेकंड। कह सकते हैं यहाँ तक किसी की डाउट है क्या? पहले व्यक्ति को 7 सेकंड में, दूसरे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार किया जा रहा है? 9 सेकंड में पार किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, चलते हैं आगे, यानी ये टाइम है इनका व्यक्ति को पार करने का दोस्तों, समझना मेरी बात को। ये चाल किसकी है? व्यक्ति की, और ये भी चाल दूसरे व्यक्ति की। पहले व्यक्ति को कोई रेलगाड़ी रेलगाड़ी की व्यक्ति की दिशा में जाती है तो बताइए दोस्तों कितने सेकंड में पार करती है? पहले को 7 सेकंड में और दूसरे को आप कहेंगे सर कितने सेकंड में? 9 सेकंड। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, पहले दूरी की, कितने दूरी चल सकता है वो व्यक्ति, यानी वो रेलगाड़ी 7 सेकंड चलेगी, 7 सेकंड बाद ही पकड़ेगी, तो आप कह सकते हैं रेलगाड़ी कितनी चलेगी, तो बताइए ये 7 सेकंड के हिसाब से व्यक्ति भी तो भागेगा, यही तो बात होगी, तो 7 सेकंड में चलेगा तो इसका मतलब 7 8 कितना हो गया? 56 मीटर हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 56 मीटर। और यहाँ की दूरी लगाने के तो कितना हो गया? 90 मीटर हो गया। इसको सीधा सा यही समझना। अब यहाँ पे समझना मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म हो सकता है 56 मीटर का, एक सेकंड प्लेट इस टाइप का। अब क्वेश्चन कौन सा बन गया? दो प्लेटफॉर्म को पार करने वाला, तो पहला प्लेटफॉर्म हमारे पास 56 मीटर का हो सकता है, दूसरा कितना हो सकता है? 90 मीटर का हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, यदि गाड़ी तो वही है तो यहां से यहां तक जाते हैं तो बताइए दूरी कितनी ज्यादा मिल रही है? आप कहेंगे कि दूरी कितनी ज्यादा होगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखना, दूरी की यदि बात करते हैं तो यहां कितनी ज्यादा होगी? 34 मीटर। कितना प्लस हो रहा है दूरी? 34 मीटर हो रही है दूरी ज्यादा।
अब दूरी हमारे पास में 34 मीटर अधिक होगी, तो मेरे प्यारे दोस्तों 34 मीटर की यदि बात करते हैं तो कितने सेकंड में हो रही है? आप कहेंगे सर यहाँ सेकंड देखे कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो इसका मतलब जैसे ही वो 2 सेकंड ज्यादा चलेगी तो इसका मतलब ये आ गया 34 मीटर दूरी, तो मीटर प्रति सेकंड में भी उसकी चाल निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं सर आप 34 में किसका भाग देंगे तो चाल आ जाएगी आपकी 2 का भाग दिया, 34 में किसका भाग दिया 2 का, तो आप कहेंगे सर 17 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास में चाल आई है। अब ये कहेंगे सर चाल 17 मीटर प्रति सेकंड क्या है, ये दोनों की मिला के एक दिशा में यानी इस व्यक्ति की और रेलगाड़ी की 17 मीटर प्रति सेकंड। अब कहेंगे सर यदि हमारे पास में यहाँ चाल 17 मीटर प्रति सेकंड आ गई, रेलगाड़ी की चाल 17 मीटर प्रति सेकंड हो गई क्योंकि अंतर में अंतर का समय का भाग दिया 17 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन व्यक्ति को पार करेगी कितने सेकंड में, 7 सेकंड। अब एक चीज बताइए व्यक्ति तो रेलगाड़ी तो जा रही है 17 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, व्यक्ति कितना जा रहा है 8 मीटर, या तो ये 8 मीटर घटा के इसको 7 से गुणा कर देंगे रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी, या फिर आप 10 मीटर प्रति सेकंड 17 में से घटा दो और 9 से गुणा कर दो, दोनों से रेलगाड़ी की जो भी लंबाई आएगी दोस्तों क्या आ जाएगी, समान आ जाएगी। अभी हमें क्या चाहिए, सापेक्ष आल चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों, सापेक्ष आल। आप जानते हैं सापेक्ष आल क्या होता है, यदि एक दिशा में व्यक्ति जाए या रेलगाड़ी की दिशा में व्यक्ति जाए तो इसका मतलब क्या होता है, अंतर होता है। तो 8 घटा दिया तो आप कहेंगे सर हमारे पास में 9 मीटर प्रति सेकंड हो गया, कितना हो गया हमारे पास में 9 मीटर प्रति सेकंड उनकी क्या होगी दोस्तों, सापेक्ष चाल होगी, कितनी रहेगी 9 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों आज यहां से हम टाइम दूरी निकालेंगे आज इस व्यक्ति को, अब ये सापेक्ष चाल घटाते व्यक्ति क्या हो गया है, खड़ा हो गया है, और खड़े व्यक्ति को कोई रेलगाड़ी यदि 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से पार कर जाती है तो कितने समय में पार करती है, 7 सेकंड। तो आप कह देंगे सर रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 9 × 7 कितना हो गया 63 मीटर। तो आप कहेंगे सर चाल तो 17 मीटर प्रति सेकंड होगी और लंबाई कितने होगी 63 मीटर प्रति सेकंड होगी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आपको कोई यहाँ पे ये कहता कि सर इससे निकाले तो निकालो, 17 में से 10 गया कितना रह गया दोस्तों 7 रह गया, और 7 मीटर प्रति सेकंड यदि चाल है रेलगाड़ी कितना टाइम लगा 9, तो 9 × 7 कितना होता है वही 63 मीटर आता है। यानी आप कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि चाल तो होगी उसकी कितने 17 मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड में, और यदि दूरी की बात करते तो कितना हो गया 63 मीटर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको भी देता हूं, बिल्कुल सभी दो आंसर बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार कमेंट करके इसे ही मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे, देखिए किस किस के समय। फिर यहां की ये तो मीटर प्रति सेकंड है दोस्तों, फिर चलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां, एक व्यक्ति जिसकी चाल है 4 मीटर प्रति सेकंड पहला व्यक्ति है, और सेकंड व्यक्ति है जिसकी चाल दे दी 8 मीटर प्रति सेकंड, इसकी मान लो चाल दे दी कितनी 8 मीटर प्रति सेकंड, इसको टाइम लगता है 9 सेकंड पार करने का, इसको टाइम लगता है मान लो 10 सेकंड। तो बताइए उस रेलगाड़ी की चाल और लंबाई कितनी होगी, ये सेकंड क्वेश्चन बढ़ गया इसी का। एक व्यक्ति की चाल 4 मीटर प्रति सेकंड है, दूसरे की 8 मीटर प्रति सेकंड है, इसको पार करने में 9 सेकंड, इसको पार करने में 10 सेकंड। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल और लंबाई, बिल्कुल बताइए, देख रहा हूं कौन कौन बता पा रहा है, बिल्कुल शाबाश सभी का राइट आंसर आना चाहिए भाई, हाँ बिल्कुल सभी को राम राम जय श्री राम। हाँ सुरेश बिल्कुल आंसर बताइए भाई, हाँ बताइए इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है बिल्कुल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, डाटा ही चेंज किया, क्वेश्चन यही है, एक व्यक्ति 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रहा है दोस्तों, और दूसरा व्यक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रहा है, तो पहले व्यक्ति को रेलगाड़ी 9 सेकंड में, दूसरे को 10 सेकंड में। तो आप कहेंगे सर 9 × 4 कितना हो गया 36 मीटर की दूरी होगी यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया 80 मीटर की दूरी होगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप कहेंगे सर 36 और 80 की बात करते हैं हमारे पास में, तो ये तो चाल है व्यक्तियों की, तो रेलगाड़ी की चाल कैसे निकालेंगे कि 36 से 80 कितना ज्यादा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कहेंगे सर 44 मीटर ज्यादा है, कितना ज्यादा है दोस्तों 44 मीटर, दूरी कितने सेकंड में हो रही है 4 सेकंड में, कितने सेकंड में 4 सेकंड। जैसे ही वो 4 सेकंड ज्यादा चलती है तो आप कहेंगे सर दूरी कितनी ज्यादा हो जाती है 44। तो आप कह देंगे सर चाल के लिए बात करते हैं, तो देखिए चाल कहां से निकालेंगे, चाल के लिए बात करते हैं तो बिल्कुल आप देखिए चाल कहां से निकालेंगे, यहां कहेंगे 44 में किसका भाग देंगे 4 का, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा सॉरी समय का अंतराल, समय का, ये तो चाल का दे दिया, समय का अंतराल कितने का यहां
एक सेकंड का दोस्तों 4 मीटर प्रति सेकंड का नहीं, समय का अंतराल लेना, क्योंकि दूरी अपॉन दूरी 44 मीटर है, कितने सेकंड में, एक सेकंड में। तो आप कहेंगे सर 44 में एक का भाग दिया तो 4 कितने आ गए, 44 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, अभी ये तो चाल आई है 44 मीटर प्रति सेकंड, चाल आपकी आ गई 44 मीटर प्रति सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात करनी है आपको 44 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल, अगर व्यक्ति जा रहा 40 से तो सापेक्ष चाल आप बता सकते हैं कि सापेक्ष चाल कितने हो जाएगी। 44 गाड़ी जा रही है 4 मीटर प्रति सेकंड गति से व्यक्ति दौड़ रहा है तो व्यक्ति को क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे तो 4 कम हो जाएगी, तो रेलगाड़ी की 4 कम होती है, सापेक्ष चाल कितने हो जाएगी दोस्तों, 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। 40 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल हो गई। अब 40 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से कितना टाइम लेगी वो, 9। तो आप कह देंगे सर दूरी व्यक्ति को पार करना 40 मीटर के हिसाब से एक सेकंड में जाती है तो बताइए 9 सेकंड में 9 चौक 36, 360 मीटर जाएगी मेरे दोस्तों, कितनी जाएगी, 360 मीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चले इसी प्रकार अभी अब कोई कहे कि यहां से, हाँ एक सेकंड का वो तो हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ कोई कहे सर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दोस्तों आने वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें गौर करना, बिल्कुल गौर फरमाइए, आंसर देना बहुत सोच समझ के। ये तो मीटर प्रति सेकंड में सीधा इकाई दे दिया, लेकिन अब किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। नेक्स्ट बिल्कुल शाबाश, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे, देख रहा हूँ किस किस का राइट है, शाबाश बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सभी दोस्तों को, धन्यवाद भाई, देख रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, हाँ कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहे सभी। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किलोमीटर प्रति घंटा के ज्यादा कुछ नहीं है, ये सेकंड में समय है, इकाई किलोमीटर प्रति घंटा, मेथड वही होगा मेरे दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा को दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना, बताइए कौन कौन बता पाता, देखिए देख रहा हूं बिल्कुल शाबाश जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे लालो कितना होगा, किसका राइट होगा, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए भाई। क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्या चाहिए, रेलगाड़ी की चाल चाहिए, और वो भी किसमें चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें चाहिए दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बता सके, दूरी बताने की आवश्यकता नहीं, देखिए सीधी सी बात है, दो व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, इनकी यदि चाल की बात करते हैं तो क्रम से चाल दी थी, पहले की दी थी सर 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, दूसरे की कितनी दी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं इनको, एक रेलगाड़ी क्रम से इसको तो कितने सेकंड में, 9 सेकंड में, और इसको कितने सेकंड में, दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ यदि इनको गुणा कर सकते हैं क्या सर, नहीं कर सकते, क्यों कि इकाई समान होनी चाहिए, ये इकाई समान है क्या, नहीं है, आज इसकी इकाई समान नहीं, तो दोस्तों पहले इसको किस में चेंज कर लो, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो, क्योंकि सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें, इसको किलोमीटर को तभी तो गुणा होगा, तो मीटर प्रति सेकंड में गुणा करने के आप सीधा सा यहाँ कह सकते हैं कि सर किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से, तो देखिए दोस्तों 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड हुई कि नहीं, चल 3 किलोमीटर प्रति घंटा को आप कह सकते हैं कि सर 5/6 मीटर प्रति सेकंड चाल होगी। तो दोस्तों यदि 5/6 मीटर एक सेकंड में जाती है, सुनना मेरी बात, 5/6 मीटर यदि एक सेकंड में जाती है तो 9 सेकंड की दूरी चाहिए, तो आप कह देंगे सर 9/5 45/6, तो यहाँ की दूरी हो जाएगी 45/6 मीटर दोस्तों, कितनी हो जाएगी 45/6 मीटर दूरी, 45/6 ही रहने दो। अब इसकी यदि मीटर प्रति सेकंड में बात करते हैं तो वही 5/18 से गुणा कर दिया और 6/3/18 यानी 5/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया दोस्तों, कितना हो गया 5/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं ये 10 सेकंड की, तो 10 सेकंड में कितना चलेगी, 10 से गुणा कर दो, आप कहेंगे सर 10 से गुणा करेंगे क्योंकि 1 सेकंड में 5/3 मीटर जाती है, तो बताइए दोस्तों 10 सेकंड में कितना जाएगा, आप कहेंगे सर ये 50/3 मीटर जाएगी, कितनी जाएगी 50/3 मीटर जाएगी। अब देखिए दोस्तों पहला प्लेटफॉर्म मान सकते 50/6 मीटर दूरी तय की मान लो, दूसरे कितनी होगी 50/3, अब इन दोनों का क्या लेंगे दोस्तों, अंतर लेंगे, तो आप कह सकते 50/3 और 45/6 का अंतर लेंगे, तो ले लो मेरे प्यारे लालो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 6, तो 3 2 6 50 100 हो गया दोस्तों,
कितना हो गया 100 हो गया, और 6 का एक बार और कितना हो गया 45 हो गया मेरे प्यारे लालू, कितना हो गया 45। अब यदि 45 घटा देते तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ 45 घटाते आप कहेंगे सर यहाँ पे कितना हो गया 55/6 मीटर, 55/6 मीटर प्रति सेकंड किसमें चाहिए लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप कहेंगे सर 6 × 3 = 18 तो कितना हो गया हमारे पास में, क्या माइनस तो किया था 55/6 मीटर प्रति सेकंड आया है, 45/6 = 9, 5 = 45 और 6 और यहां हो गया दोस्तों कितना था इधर 5/50/3 घटाया एलसीएम कितना आ गया 6 और 45 घटा दे कितना 55/6 मीटर प्रति सेकंड में चाहिए किसमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। तो 6 × 3 = 18 कहां से आया फिर 55 का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसमें। अरे सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, कहाँ गलती होगी 18.5 है, 18.5 है दोस्तों, ये कितना हो गया 3 कहाँ से आएगा, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो कितना हो गया 18.5 हो गया, 18.5 और 5 से कितनी बार 11 बार 11 3 33 किलोमीटर प्रति, लिख दूंगी इधर नहीं लिखता, तो कितना हो जाएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों। हाँ 18.5 से गुणा करना 18.3 कौन सा डाटा ले लिया 3, तो ये एलसीएम था 3 से तो गुणा करके हमने ले लिया कि 3 × 2 = 6 और 50 × 2 कितना हो गया 100, यहाँ पे हो गया 45 माइनस किया 55/6 दोस्तों क्या आया है मीटर प्रति सेकंड आया है, 55/6 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किस में चेंज करना था किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किससे गुणा कर दिया 18.5 से, तो सीधा सा कह सकते 5 × 11 = 55 और 6 × 3 = 11 3 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा बिल्कुल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, कई बार क्या होता है ऐसे लिखना चाहते हैं 5 लिखा जाता है 3 कई बार हो जाता है। हाँ देखिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल कंटिन्यू आंसर बताना। चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल सोमला निठार वाल शाबाश, धन्यवाद भाई आज डाका बिल्कुल शाबाश, धर्मेंद्र शर्मा सुनीता प्रकाश आर जितेंद्र कुमार बिल्कुल शाबाश कंटिन्यू। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही नेक्स्ट क्वेश्चन सर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है और छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक श्रेणी बी में बिल्कुल 2014 में आया और पुराना जी बिल्कुल शाबाश। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि एक व्यक्ति ट्रेन तथा बस से जा रहा है और 6 घंटे में 285 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे दोस्तों यदि वह पहले बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा ट्रेन से 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरी तय करे दूरी, तो वह ट्रेन से कितनी दूरी तय कर पाएगा, बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे दोस्तों किस किस का रहेगा। तो चलिए मैं बताऊँ कोई बात नहीं, एक व्यक्ति ट्रेन तथा बस से, यानी एक तो हमारे पास में क्या है दोस्तों ट्रेन है और एक हमारे पास में क्या है बस है, यहाँ पे समझना मेरे प्यारे दोस्तों ट्रेन और बस की यदि बात करें, थोड़ा मैं इधर से लिख दूं, ट्रेन और यदि आप बस की बात करते हैं दूरी दी है क्या नहीं दी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि रफ्तार से ट्रेन की 85 किलोमीटर प्रति घंटा पूरी करता है और ट्रेन तब वह पहले बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे कह रहा है ट्रेन तथा बस से यदि बात करते हैं तो ट्रेन की भी दूरी नहीं थी बस की, तो चलिए ट्रेन की मान लो आप कह सकते हैं कि सर अक्स किलोमीटर हो जाएगी, किलोमीटर है ना, तो मान लो ट्रेन की यदि अक्स किलोमीटर हो जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों बस के लिए क्या कह देंगे कुल कितनी थी, इसको देखिए फिर दूसरा 285/x हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स किलोमीटर है, ये हमारे पास दोनों की दूरी, लेकिन इसकी चाल हमारे पास में कितनी है दोस्तों, ट्रेन की चाल कितनी दे दी 40, बस की 40 दे दी और ट्रेन की कितनी दे दी हमारे पास ट्रेन से 85 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से, तो ट्रेन की कितनी दे दी दोस्तों 85 दे दी, तो आप कहेंगे सर ट्रेन की तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 85 हो जाएगी, तो इसके लिए यदि हमारे पास में दूरी अपॉन चाल बराबर क्या होता है समय, जबकि आपको जो टोटल समय दिया है मेरे प्यारे दोस्तों कितना दिया है 6 घंटे दिया है, कितना दिया है 6 घंटे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 285 - अक्ष, इसकी तो चाल कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस दोनों का टाइम कितना दिया है हमारे पास, इसकी अक्ष है तो इसकी चाल कितनी दी दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी ना 85, दिखता नहीं है एक तो साफ,
पीछे से। अब देखिए इन दोनों से हमारे पास में टाइम कितना आना चाहिए दोस्तों, 6 घंटे। यही तो बात होगी कि इसकी दूरी में इसकी चाल का भाग, इसकी कुल मिला के जो टाइम होगा दोस्तों कितना होगा, 6 घंटे होगा। आप कहेंगे सर इनका एलसीएम लेंगे तो बताइए, आज एलसीएम लेना आता है, आप कहेंगे सर 40 और 85 का एलसीएम ले लो, तो 40 और 85 का हम कह सकते हैं 5 से कैंसिल हो रहा है सीधा सा, 5 8 कितना हो गया 40 और 17 5 85, ये हो गया 8 5 40, 17 4 68 एक जीरो लगा दे, देखिए इनका गुणनफल कितना हो गया 17 8 5 40, 40 को 17 से गुणा किया, 17 4 68 680 हो गया। इसका मतलब 680 को डिवाइड कर दो, जीरो से जीरो चला जाएगा, यहाँ माइनस 7 अक्ष है, तो यहाँ देखिए यहाँ से जीरो 17 बार, तो यहाँ कहेंगे सर 17 अक्ष और आगे का 85 रहेगा। अब यहाँ से 17 बार गया तो 17 5 कितना होता है दोस्तों, 85 होता है, कितना रहेगा हमारे पास में 8 6, और यहाँ 17 170 170 में से आप सीधा घटा दो 34 34 घटाएंगे तो कितना हो गया 136 प्लस 4 40 44 कितना रहेगा दोस्तों 144, यानी 14 शेष रह गया, 14 शेष रह गया, तो आप कह सकते हैं कि 17 2 34 34 और 4 38 38 और 10 कितना हो गया दोस्तों 48, तो आप कहेंगे सर 48 यहाँ लिख देंगे तो 48 45 माइनस 17 अक्ष। अब प्लस देखिए 85 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, यहाँ सीधा सा आप कहेंगे सर 85 से यहाँ बात करते तो कितनी बार हो रहा है, आप सीधा सा देख लिए 85 17 5 85 17 4 68 17 5 17 4 और 8 बार हो रहा है ना, 17 5 85 17 4 68 40 और 5 8 40, यानी कितना हो गया 8x हो गया दोस्तों, कितना हो गया हमारे पास में 8x हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे यदि बात करते हैं बराबर कितना दिया है, 6 घंटे दिया है, कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों 6 घंटे, तो देखिए यहाँ से यदि आप इधर लेके जाएंगे इसको गुणा हो जाएगा और यहाँ से कितना रहेगा 9x रहेगा, तो सीधा सा आप कहेंगे सर यहाँ 9x लिखो तो लिख लो 4845 माइनस 9x बराबर कितना रह जाएगा 0 8 6 48 4 और 6 6 36 और 4 तो 4 4 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 4 80, ये इधर माइनस हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऊपर लिख दूं क्या, दिख रहा है क्या नीचे तक, नहीं दिख रहा है यहाँ, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ देखिए दिख रहा होगा यहाँ तक, तो यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से बात करते हैं तो देखिए 9 अक्ष बराबर माइनस के तो इधर जाएगा, तो आप कहेंगे सर इधर जाएगा, तो देखिए इसको घटाएंगे तो हमारे पास 700 घटा दो 45 और 20 ऊपर एक्स्ट्रा घटा दिया, तो आप कहेंगे सर 765 कितना हो गया 765 हो गया। अब देखिए 9 से बेहतर और 9 8 9 से कैंसिल करेंगे तो कि 9 माइनस का है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 8 बेहतर 8 बार कैंसिल हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। और फिर बात करते हैं 4 5 45, तो 9 5 कितना हो गया 45, यानी कह देंगे आज कितना हो गया 85 किलोमीटर, तो 85 किलोमीटर राइट ऑप्शन मेरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिकी स्पेशलिस्ट कमल टीएस के बिल्कुल बिल्कुल शाबाश सर, बफरिंग कैसे कर रहा है सही नहीं दिख रहा, हाँ चलिए दोस्तों दिख रहा है क्या आपको सही, बफरिंग सी हो रही है सर यहाँ, अरे समझ में आ गया ना, चले क्या आगे, ये नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप वाले से दिख रहा है बताइए दोस्तों, चले आगे अरे आगे ना, ट्रेन की दूरी कितनी थी अक्ष थी, यहाँ बस की बात करते हैं माइनस ट्रेन की घटा देंगे, बस क्या आ जाएगी, ये 4 थी इसका समय आ जाएगा, ये 4 थी इसका समय, दोनों का मिला के 6 समय है 6 घंटे, हल किया इधर हो गया 4845 माइनस 9 अक्ष बराबर हम कह सकते हैं 4080, इनको गुणा कर दिया 4080 हो गया। अब बात करते हैं इधर से 9 अक्ष क्यों रहा था मालूम है, और 9 अक्ष बराबर 765 है, तो अक्ष की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 85 आई, सही नहीं आ रहा सर, बफरिंग थोड़ी हो रही है आप वाले में, चले क्या आगे, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर तो आ रहा है ना, चलिए हाँ नेक्स्ट सर बिल्कुल, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, एक बार कमेंट करके बताना क्लियर आ रहा है क्या, सही दिख रहा है, ये मेरे वाले कैसे कर रहा है, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, देखें ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसान नहीं तो आसान समझना है, नहीं दिख रहा सही आना चाहिए,
अपन हाँ बताइए बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है भाई, सभी बताइए एक बार। क्वेश्चन में बोल देता हूँ, नहीं दिख रहा तो, यदि ट्रेन ए 126 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है और ट्रेन बी को पूरी तरह से 9 सेकंड में पार करती है, ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की आधी है और ट्रेन बी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में ट्रेन ए की ओर चलती है, ट्रेन ए को 690 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा, बताइए। अरे सही दिख रहा है क्या, बताइए एक बार कमेंट करके। नहीं आ रहा सही सर, दिख नहीं रहा। स्पीड कम आ रही है बिल्कुल, हाँ बताइए दिख रहा होगा सही। हाँ क्वेश्चन बोल दिया ना मैंने, दिख रहा होगा तो एक बार बताइए कमेंट करके। ट्रेन ए 126 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है और ट्रेन बी को पूरी तरह से 9 सेकंड में पार करती है, ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की आधी है और ट्रेन बी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में ट्रेन ए की ओर चलती है, तो ट्रेन ए को 690 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों सभी। आ रहा है क्या सही, बताइए एक बार सही आ रहा है क्या। तो अब देखो थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम हो रही है, ये तो नेट की स्पीड स्लो आ रही है भैया, हैं? हाँ एक दो मिनट में हो जाएगी, नेट की स्लो स्पीड आ रही है, प्लीज सही कैप्चर करो क्वेश्चन सर, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। देख ये कौन है ट्रिकी स्पेशलिस्ट कमल, पहली बात तो बेटे टाइम वेस्ट करने के लिए हम यहाँ नहीं करें, सुन रहे मेरी बात, ये ट्रिकी स्पेशलिस्ट कमल, अरे इतना ही टाइम वेस्ट होता ना तो बेटे कोई जरूरी नहीं है, ये हमारे हाथ में तो नहीं है, सुन रहा है ये कमल स्पेशलिस्ट कमल क्यों बोल रहा हूं मैं, सुन रहा है ना, हमारे हाथ में तो है नहीं है, ये टेक्निकल इश्यू है तो हो जाते हैं कई बार नेट की स्पीड स्लो ज्यादा, तो इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। हाँ इतना बोल सकता है कि सर सही नहीं दिख रहा, वो एक अलग बात है कि सही नहीं दिख रहा, जबकि टाइम वेस्ट करने के लिए हम नहीं खड़े यहाँ, हम यही चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा दें और तेरे को जहां अच्छा और जहां टाइम वेस्ट नहीं होता वहां ले सकता है बेटे। तो बेटे हम भी यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी बफरिंग हो रही है नेट की वजह से हो रही है, नेट की वजह से हो रही है तो हम भी नहीं कर सकते इसमें, तो नेट की स्पीड पीछे से स्लो आ रही है। क्वेश्चन तो सही दिख रहा है, नेट की वजह से हो रही प्रॉब्लम। हाँ महेंद्र सिंह बिल्कुल शाबाश, और क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, आवाज तो सुन रहे हो ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन कह रहा है यदि ट्रेन ए 126 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, एक ट्रेन ए है 126 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है और ट्रेन बी को पूरी तरह से 9 सेकंड में पार करती है, ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की आधी है और ट्रेन बी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में ट्रेन ए की ओर चलती है, तो ट्रेन ए को 690 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में कितना टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल देख रहा हूं, अब तो दिख रहा होगा, इतना तो बोल दिया, वो लाइन तो समझ में आ गई ना बोली वो तो, अरे बोल दी वो तो समझ में आ गई दोस्तों, निकालो ठीक है और दूरी हो जाएगी एक अक्ष एक दो अक्ष, ठीक है चलो मैं बताऊं क्या दिख रहा है, दिख जाएगा क्या, मैं देख रहा हूँ थोड़ा इसकी सही हो जाए, अब नेट की स्पीड प्रॉब्लम कर रही है, हम भी क्या कर सकते हैं नेट की स्पीड में, तो नेट की स्पीड ही स्लो हो रही है, देखिए हमारे हाथ में नहीं है भाई, नेट की आज बिल्कुल स्पीड कम आ रही है। चलिए दोस्तों मैं बताऊं, देखिए एक रेलगाड़ी ए है, दिख जाएगा, दिखता है तो नहीं मैं बोल रहा हूँ वो सुन लेना ठीक है दोस्तों, इसकी 90 किलोमीटर 126 किलोमीटर प्रति घंटा एक रेलगाड़ी ए, ये तो ए होगी, ये आपकी इधर से आ रही है वो क्या होगी बी गाड़ी होगी,
और इसकी चाल दे दी हम कितनी दे दी, बी की चाल दी ट्रेन बी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इसकी चाल दे दी दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। अब लंबाई नहीं दी, इसकी मान लो 126 थी लंबाई पहले की भी नहीं दी, और इसकी 90 थी इसकी भी लंबाई नहीं थी दूसरी की, लेकिन अब यहां समझना मेरे प्यारे दोस्तों, आमने सामने से आ रही है ठीक है, इसका मतलब सापेक्ष काल का तो यह हो जाएगा, लेकिन लंबाई कहां से लाएंगे, देखना एक ही लंबाई की आधी है कोण बी, बी की मान लो एक मानेंगे तो इसकी दो होगी कि नहीं होगी, कह सकते हैं कि एक ही लंबाई यदि दो होगी तो बी की आधी होगी एक, या एक ही बी की एक होगी तो इसकी दुगनी हो जाएगी दो, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए चलते हैं आगे की ओर, तो इनकी सापेक्ष चाल निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कह सकते हैं सर सापेक्ष चाल निकालें दोनों की, तो सापेक्ष चाल 126 प्लस 90 कर दो, या तो 126 प्लस 90 की यदि बात करते हैं तो दोस्तों या तो आप दोनों का एज का अलग अलग निकालो, तो कहेंगे सर 216 होता है, 216 किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम दिया है कितना दिया है 9 सेकंड दिया है, दोनों का टाइम देखिए एक दूसरे को पार करने का दोस्तों कितना दिया है 9 सेकंड दिया है, एक दूसरे को पार 9 सेकंड में करते तो आप कहेंगे 216 को मीटर प्रति सेकंड बना दो, तो आप कहेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ कहेंगे 18 से एक बार 18 और यहाँ हो गया 18 2 36 कितना हो गया 18 2 36 हो गया 12 5 60 यानी 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, नहीं दिखा क्या बेबी से 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा दोस्तों, 60 मीटर प्रति सेकंड इनकी चाल होगी दोनों की सापेक्ष चाल मेरे प्यारे दोस्तों। अब 60 मीटर प्रति सेकंड है, टाइम कितना दिया है 9 सेकंड, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप कह सकते हैं कि इनकी दूरी की यदि बात करें डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों यदि बात करते हैं तो 60 × 9 कर देंगे, कहेंगे सर 9 × 60 की बात करें तो 9 × 54 540 मीटर, सुन रहे हो मेरी बात दोस्तों, दोनों की कुल दूरी आई है, दोनों की 540 मीटर दूरी आ गई। अब देखिए दूरी कितनी थी 2 और 3x यानी 3 मिनट की वैल्यू ले सकते हैं अक्ष ने, तो 1 मिनट मान लें, इसको मान लो 1 मिनट मानेंगे तो इसको कितना मान सकते हैं दोस्तों 2 मिनट भी मान सकते हैं, तो 1 और 2 यूनिट 3 मिनट की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 1 मिनट की वैल्यू चाहिए तो 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 1 मिनट की वैल्यू 180 मीटर, इसका मतलब 1 मिनट 180, तो 1 मिनट कौन सी थी बी रेलगाड़ी, तो बी तो हो जाएगी 180 मीटर की लंबी, ठीक है दोस्तों बी 180 हो जाएगी और ए कितनी हो जाएगी इससे दुगनी कर देंगे तो आप कहेंगे सर 360 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दोस्तों 360 मीटर, यानी ए रेलगाड़ी 360 मीटर लंबी होगी और यदि बी की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो कितनी हो जाएगी 180 मीटर। अब देखना मेरे प्यारे दोस्तों बी द्वारा कितना लंबा प्लेटफॉर्म 690, तो आज बी की दूरी कितनी हो जाएगी 360 प्लस कितना हो गया 690, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 1050, कितना हो गया दोस्तों 1050, क्योंकि यहाँ पे 690 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ओवर एड हो जाएगा, तो दोनों की दूरी होगी 1050 मीटर को कितने समय में पार करेगी, इसके लिए देखो बी को अलग से मीटर प्रति सेकंड में बना दो 5/18 से गुणा करके, तो 18 से 9 2 18 और यहाँ पे हो रहा 9 और ये कितना 9 4 36 7, इसका मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा 7 5 35 35 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या होगी एक ही चाल होगी दोस्तों, 35 मीटर प्रति सेकंड एक ही चाल होगी, तो 35 तीया कितना होता है 105, तो बिल्कुल दोस्तों कितना हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड इनकी दोनों इसको 30 सेकंड में ए रेलगाड़ी को 690 मीटर लंबा पुल पार करने में समय लगेगा, यानी 690 मीटर लंबे पुल को दोस्तों कितने समय पार कर देगी 30 सेकंड में पार कर देगी। चलिए दोस्तों सही नहीं दिख रहा तो रहने दीजिए, बिल्कुल कोई बात नहीं, आज नेट की वजह से रहने दो फिर इतना ही, है ना ठीक है दोस्तों ओके। हाँ वो नेट की स्पीड बिल्कुल ही स्लो आ रही है दोस्तों, देखो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, समझते हैं आपकी मजबूरी, देखिए दोस्तों क्या करें, लेकिन आज कोई नेट की प्रॉब्लम है पीछे से, ठीक है फिर रहने दें ना, अभी क्लियर ही नहीं दिख रहा तो फिर मतलब ही क्या है, ये तो समझ में आ गया ना, बोली लैंग्वेज तो सुन ली होगी, नहीं हुआ तो कल बता देंगे दोस्तों ठीक है। ठीक है फिर रहने दें ओके, मैंने सोचा एक दो मिनट में सुधर जाएगी, इसके स्पीड नहीं आ रही आज, बिल्कुल ही स्लो आ रही है दोस्तों स्पीड, पीछे से बिल्कुल स्लो आ रही है, ठीक है फिर रहने देते हैं, आज ही प्रॉब्लम होगी कई दिन से, इतने दिन तो सही आ रही थी, आज कोई नेट की वजह से स्पीड में कोई प्रॉब्लम है। ओके ओके ओके, ओके।